सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 5 मैचेस आपके कंप्लीट कर सकते हैं आफ्टर टच कोनकर। क्योंकि जैसे हम कोनकर लगा देते हैं उसके बाद हमें 5 मैचेस खेलने होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। क्योंकि भाई अगर 5 मैचेस, जो क्योंकि अभी तक इतना ज़्यादा पीछे से पुश करते हुए आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। क्योंकि भाई कोनकर पे अगर आप स्टार्टिंग में मरे, टॉप 5 में नहीं आए तो माइनस जानी ही जानी है। सो देखिए, मैंने मेरे 5 मैचेस कंप्लीट कर लिए हैं इजीली। सबसे पहले तो आप डुओ में अभी मेरी रैंकिंग देख लीजिए। अभी मेरी रैंकिंग 188 पे मेरे को कोनकर मिला था। मैंने 128 रात को छोड़ा था तो मेरी रैंकिंग गिर के 188 आ गई थी। तो अब मेरी रैंकिंग 793 बची है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा, एक बार जाके करियर रिजल्ट दिखाता हूँ मैं आपको। तो करियर रिजल्ट में हम लोग जैसे जाते हैं, तो आप ये देखिए, फर्स्ट मैच उतरते ही मरा, जीरो की माइनस हुई। क्योंकि मेरा जो वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था चैलेंज पॉइंट हमारे, उसने मेरे को बचा लिया चैलेंज पॉइंट ने, तो माइनस एक भी नहीं गई। उसके बाद मेरी -30 होती है, फिर मेरी -0, फिर मेरी -0 और फिर मेरी -43। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि कॉनकरर पे आप जब एक बार आप जब कॉनकरर टच कर देते हो तो 1 डे के लिए आप कॉनकरर पे ही रहते हो। आपको डिमोट नहीं किया जाता, बेशक आप कितने भी माइनस लगा लो, आप कॉनकरर पे ही रहोगे 1 डे के लिए। 1 डे के बाद अगर आपकी रैंकिंग 500 से बाहर होती है तो आप डिमोट होते हो, लेकिन अगर आपकी रैंकिंग 500 के अंदर ही रहती है तो आप डिमोट नहीं होते हो। बेसिकली यार, हमें कॉनकर का फ्रेम ही तो चाहिए, इसीलिए तो हम लोग कॉनकर लगा रहे हैं। कॉनकर अब जिसको स्टैंडिंग में रहना है वो खेल सकता है, बात के लिए कि हाँ भाई मेरे को मेरी रैंकिंग मेंटेन करनी है। वरना 1 डे के लिए आप कॉनकर रहते हो, 5 मैच करने बिल्कुल आसान है। उतरिए, मरिए, वापस आइए, आपको ईजिली कॉनकर मिल जाएगा। आपकी कॉनकर 1 डे के लिए, आप कॉनकर ही रहोगे।